अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों, ख्वाब में औरत के अपने दाढ़ी देखना या किसी की दाढ़ी लंबी हो जाना या किसी की अपनी कोई किसी का अपनी दाढ़ी को साफ कराना, ये और इस तरीके के चंद अहम ख्वाबों की ताबीरें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। पहला ख्वाब है औरत के अपने दाढ़ी देखना। किसी औरत ने देखा ख्वाब में कि उसके दाढ़ी निकल आई है और उसकी लंबी लंबी दाढ़ी हो रही है, तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाली औरत जिसने अपने चेहरे पर दाढ़ी देखी है वो बेवा होगी और उसके शौहर के इंतकाल की अलामत है ये ख्वाब कि उसके शोहर का इंतकाल हो जाएगा और वो इस दुनिया से चला जाएगा, यानी अच्छा ख्वाब नहीं है। अगर कोई औरत इस तरीके का ख्वाब देखे तो वो इस ख्वाब के शर से बचने के लिए सदकात का अहतमाम करे, अल्लाह ताला से आफियत की दुआ करे और किसी से ये ख्वाब बयान ना करे। इंशाअल्लाह ताला फिर इस बुरे ख्वाब का उसकी ज़िंदगी पर कोई असर जाहिर नहीं होगा। इसी तरीके पर दूसरा ख्वाब है दाढ़ी नोचना। किसी ने ख्वाब में अपने आप को दाढ़ी नोचते हुए देखा है तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला गम पाएगा, उसको कोई टेंशन की बात पेश आएगी या किसी मामले को लेकर के वो रंजीदा और गमगीन होगा। तीसरा ख्वाब है दाढ़ी मूंदना। किसी ने ख्वाब में देखा कि वो दाढ़ी मुंडवा रहा है या मूंद रहा है तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को अल्लाह ताला ने जो अजीम शान नेमतें दे रखी हैं उन नेमतों में से कोई नेमत जायल होगी, अल्लाह उसी नेमत को छीन लेगा। इसलिए जब भी इस तरीके का कोई ख्वाब देखें तो फौरन अल्लाह ताला से अपने गुनाह की तौबा करें और ख्वाब के शर से बचने के लिए खुसूसन सदक़े का अहतमाम करें और ये इस तरीके के ख्वाब किसी से बयान ना करें। इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि जब बंदा कोई ख्वाब देखता है तो जब तक वो उसको किसी से बयान नहीं करता उस ख्वाब का रियल ज़िंदगी पर कोई असर जाहिर नहीं होता, तो बयान ना करें ऐसे ख्वाब किसी से। अगला ख्वाब है दाढ़ी छोटी देखना। किसी ने देखा कि उसकी तो दाढ़ी लंबी लंबी थी, अब ख्वाब में छोटी कैसे नज़र आ रही है, तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को शायद कोई परेशानी लाहिक होगी। या इसी तरीके पर ख्वाब देखने वाले को किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ख्वाब देखने वाला मकरूज होगा या इसी तरीके पर उस पर इफलास गालिब आ जाएगा, माली एतबार से तंगियों का सामना होगा। यानी दाढ़ी छोटी देखने का ख्वाब अच्छा नहीं होता है। नंबर 5, दाढ़ी लंबी देखना। किसी ने ख्वाब में देखा कि उसकी दाढ़ी माशाल्लाह लंबी हो रही है तो उसकी ताबीर ये है के ख्वाब देखने वाले के इल्म और अमल में तरक्की होगी और लोगों के दिल उसकी जानिब मुतवज्जे होंगे और इसी तरीके पर इसको रियल ज़िंदगी में माली फ़ायदा भी हासिल होगा। 6 ख्वाब है दाढ़ी पर खिजाब करते हुए देखना। किसी ने देखा ख्वाब में कि वो दाढ़ी पर खिजाब कर रहा है, खिजाब लगा रहा है, कलर कर रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला दुनियावी राहत और सुकून पाएगा, दुनिया में इसको दुनियावी ज़िंदगी में सुकून और राहत मिलेगा, अच्छा ख्वाब है। 7 ख्वाब है दाढ़ी घनी देखना। किसी ने ख्वाब में देखा कि उसकी दाढ़ी बहुत घनी है, बहुत भरी हुई है, तो उसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला शर्मिंदा होगा या इसी तरीके पर उसको कोई गम और रंज की बात पेश आएगी। दोस्तों, ये हमने आप हजरात की खिदमत में दाढ़ी से मुतालिक चंद अहम ख्वाबों की ताबीरें पेश की हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों से शेयर कीजिए और अपने किसी भी ख्वाब की ताबीर जानने के लिए हमारी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपना ख्वाब लिखते हुए नाम बताएं। फिर फ्राइडे का वेट करें, इंशाल्लाह फ्राइडे की वीडियो में आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर बयान की जाएगी। दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।